अचार बन के तैयार। ये ठंडा होने के बाद भरने में अपन डालेंगे। ये रेसिपी, इसका सीक्रेट जानने के लिए पूरा वीडियो देखेंगे तो ही आपको समझ में आएगा। टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन। ये अमरांतक या चौलाई भाजी कहते हैं। इसके पत्तों को साग बनाएंगे। इसकी मोटी मोटी डंडियों को सहजने की फली की तरह रसीली सब्जी बनाएंगे। ये बहुत स्वास्थ्यवर्धक है, जरूर खाना चाहिए इसको। हल्दी, मिर्ची, धनिया। बहुत थोड़ी सी सेंधा नमक। प्याज को ज़्यादा सेकने नहीं देना है क्योंकि ये चौलाई की बाजी हल्की सी, बहुत हल्की सी कड़वी लगती है और प्याज मीठापन देगा इसको। और बस ये इतना ही सब्जी है। आज इस सब्जी के साथ अपन इसके डंठल का रसीला सब्जी चावल खाएंगे क्योंकि ये हाई फाइबर है, इसके लिए मिलेट्स की ज़रूरत नहीं है। मैंने तेल में दो मिर्ची और इस तरह से सेक के रख लिया। नमक मैं नींबू निचोड़ के खाएंगे, इसके साथ अच्छा लगेगा। ये चौलाई की भाजी अमरांतक भी बोलते हैं और ये उसकी डंठल की सब्जी रसीला चावल। मिर्चियों में थोड़ा सा नमक डाल देंगे, थोड़ा सा नींबू। ये हमारा हेल्दी डाइट। इन अमरांत की डंटियों की सब्जी गुड़ और इमली डाल के बहुत स्वादिष्ट रसीली सब्जी बनता है और ये हमारे नाना जी बहुत पसंद से खाते थे जब हम छुट्टियों में जाते थे। मुझे भी बहुत पसंद है। कल हमारा क्लब था, हम लोगों ने तो खा लिया, इसलिए घर पे पति बच्चे खाने के लिए ये बना रहे हैं। इसका डिटेल फिर किसी दूसरा वीडियो में अपन बताएंगे। ये एक पहले मैंने एक ऐसे पांच निकाल लिया, ये लाल चटनी बना लिया,
अब एक प्लेट में लाल चटनी डाल के, माही को बहुत पसंद है, देखिए ये माही को देने जाएंगे, बहुत पसंद है माही को। बहुत दिन के बाद रुचि से मिलके बहुत खुशी हुआ। हम सब मिलके खुशहाली के पास जुम्बा क्लास में जाते थे। अभी तो रुचि जॉब में है और मैं यूट्यूबर। ये 2 किलो आंवले हैं, बड़े बड़े, 2 सीटी लगा दिया और गुटलियाँ निकाल के साइड कर दिया। और ये हल्दी, 250 ग्राम हल्दी धुल के छिलका उतार के और इस तरह से मैंने कद्दूकस कर दिया। करते करते देखे कितना सुन अच्छे अच्छे रंग आ गए हाथों में। और इसमें क्या सामान डाला है, जो पहले अपन ने अचार डाला वही है। इस बार मैंने इस ग्लास से मेज़र किया, ये जीरा छोटा सा ग्लास लिया और ये राई छोटा ग्लास लिया, ये मेथी के दाने, ये सब सिक्के हुए हैं। मैंने सिक्के इस बार सिक्के रख के आप लोगों को दिखा रही हूँ। इसमें मैं बहुत कम ही मिर्ची डालूँगी और हल्दी अपन नहीं डालेंगे, क्योंकि अपन ये हल्दी कद्दूकस किया हुआ इसको डालेंगे, इसको अपन साइड कर देंगे। और इसमें मैंने इस बार सेंधा नमक डाला है, क्योंकि ताकि अपन उपवास में भी खाएं। अक्सर मैं अचार सब्जी की तरह खाती हूँ, क्योंकि ये सब स्वास्थ्यवर्धक है, ये हल्दी भी अपना स्वास्थ्यवर्धक है। अब इसके क्या गुण बताएं, आप सबको पता है हल्दी क्यों खाना चाहिए और आंवला भी क्यों खाना चाहिए। इसीलिए इस बार अपन बहुत ही ज़्यादा स्वास्थ्य वाला अचार बनाएंगे। और मैं इसमें ये 3 नींबू निचोड़ के डालूँगी, ये सरसों का तेल, 3 नींबू से मैंने रस निकाल लिया। ये मुझे वो रस, मुझे लगता है कि ये छोटा सा ग्लास बराबर होगा। इसको एक फ़ोटो खींच लेते हैं, बहुत सुंदर लग रहा है। पहले अपन मेथी के दाने पीस लेने चाहिए, क्योंकि वो कड़क होते हैं। फिर अपन इसमें जीरा, उसके बाद राई, राई बहुत जल्दी ही, बहुत जल्दी, देखिए हाथ से करने से ही ये ऐसे पाउडर जैसे हो जाता है, इसीलिए अपन पहले जीरा उसके बाद राई। हल्दी को फोटो खींच लिया, ये जो मैंने तीनों जीरा राई मेथी इतना हुआ ये मिक्स कर दिया। अब अपन तेल गरम कर दिया है, तेल गरम हो रहा, बहुत कम राई डालेंगे। ये राई भी अपने पीस लिया है, वो उसमें हमको खाने में आ जाएगा। ये पीला हल्दी इस तरह केसरी कलर, उसमें ये राई काला काला अच्छा लगता है, इसीलिए इसको डालना है। वो उसको जल नहीं जलने देना है। एक दो बार आवाज आए उसी में इसको अपन डाल देंगे। थोड़ा सा तेल में सब्जी की तरह इसलिए सेकेंगे, इसके अंदर कोई नमी रह गया तो हमारा अचार खराब होने नहीं देगा, इसलिए इसके लिए ये करेंगे अपन। हम इसमें किसी दूसरे तरह का प्रिजर्वेटिव नहीं डालेंगे, अपन नींबू डाल रहे हैं, नमक अच्छे से डालेंगे, सेंधा नमक। और हल्दी तो वैसे ही एंटीबैक्टीरिया रहता है, वो हमारा अचार को ख़राब करने नहीं देगा। साल भर रख के खा सकते हैं, पर मैं रोज़ सुबह इसको खाती हूँ, इसलिए साल भर तो नहीं रहेगा ये अचार। हर अचार फ्रेश फ्रेश बना के खाती हूँ। कद्दूकस किया हुआ हल्दी,
मैंने बहुत कम मिर्ची डाला, देखिए बहुत कम, क्योंकि मैं ज़्यादा क्वांटिटी में अचार खाते हैं इसलिए कम मिर्ची डाला है। आप लोग ज़्यादा डाल सकते हैं। ये सेंधा नमक, इतना ही नहीं और भी डलेगा इसमें। मैं स्टोव बंद करके इसको अच्छा सा मिला के उसके बाद मैं ये नींबू का रस जो निकाल के रखा है ये डालेंगे। नमक भी अगर ज़रूरत है तो फिर ज़्यादा डालेंगे, अगर तेल की फिर कमी महसूस हो रहा तो मैं तेल गरम कर रही हूँ डालूँगी, हालांकि नहीं होना चाहिए, अगर है तो अपन पहले से तैयारी करके रख लेते हैं। थोड़ा सा तेल गरम कर रही हूँ। मैंने 100 ग्राम सेंधा नमक लाई, इसमें डाला था 2 किलो अचार में 100 ग्राम नमक मैंने पूरा ही इसमें डाल दिया। अच्छा नमक डालेगा तो जल्दी ख़राब नहीं होगा, तेल कम है तभी चलेगा, पर नमक सही से होना चाहिए, अचार का वही है। और इसमें अपन ने अक्सर लोगों का कहना रहता है कि आंवले का अचार खराब होने का संभावना, पर अपन इसमें नींबू डाला है, किसी और तरह की प्रिजर्वेटिव नहीं डाला, इसीलिए अपना अचार ये साल भर रहेगा। आप लोग भी ज़रूर इसको इस तरह हेल्दी अचार फ्रेश हर सीजन में हर तरह से अपन फ्रेश फ्रेश अचार डाल के खाएंगे और स्वस्थ रहेंगे। ज़रूर आप लोग भी एक बार इस तरह हल्दी की गट्टे का अचार ज़रूर ट्राई कीजिए। मैंने ये पहला बनाया हुआ अचार ये ख़त्म होने जा रहा है, देखिए कम तेल का ही मैंने बनाया है, इसमें अच्छा है, इसलिए अच्छा है कि इसमें अपने नींबू डाला है, यही है खास है। हर खाने में आप कुछ ना कुछ खास होगा वो ध्यान रखिए, मैं जो बोल रही हूँ पूरा वीडियो देखने से ही आपको बात समझ में आएगा कि अपन को कैसे बनाना है। ये ठंडा होने के बाद बर्नी में डालेंगे।